दोस्तों पावर गैजेट्स में आपको हर बार दिखाता हूँ कुछ लेटेस्ट कूल गैजेट और कुछ नए इन्वेंशंस। तो आज ऐसे ही कुछ खास लेकर हाजिर हूँ कुछ ऐसे हाई टेक गैजेट्स को लेकर आपके सामने। तो बस अब हम शुरू करते हैं अपने सफर को, पर उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साथियों आज की शुरुआत करते हैं कार प्योर से। दोस्तों आपने वाटर प्यूरिफायर जैसे बहुत से डिवाइसेस को देखा होगा, पर आपसे मैं ये पूछूं कि हवा को वाटर में चेंज कर सकते हो क्या? पर आपको ये बात सुनने में काफी ज्यादा अलग लग रही होगी, पर कार प्योर भी एक ऐसा डिवाइस है जो हवा को बदल कर रख देता है वाटर में, और वो भी नॉर्मल वाटर में नहीं बल्कि एक दिन में अप टू 10 लीटर में। अब बात तो ये आती है कि करता कैसे है। तो कार प्योर एयर के मॉइस्चर को इकट्ठा कर लेता है और वही मॉइस्चर को पानी बना देता है, और वो भी पानी के जर्म्स को भी ये प्यूरिफायर करने का काम कर देता है। इसे आपको इंस्टॉल करने के लिए आपको खास काम नहीं करना पड़ेगा, बस आप इसे नॉर्मली प्लगिंग करिए और इसे चालू कर दीजिए। तो दोस्तों आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा बेहतर साबित हो सकती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन पानी की कमी भी होती जा रही है। तो प्लीज पानी को वेस्ट मत करिए। और बाकी ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर पानी की काफी ज्यादा कमी रहती है, पानी भी नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए कार प्योर आ चुका है। म्यूजन शाइवर सेल। अब दोस्तों आप जल्दी से इसे देखकर बताइए कि आखिर में ये क्या चीज है। तो आपको बता दूं कि एक मैकेनिकल ट्रू वायरलेस ब्लूटूथ स्टीरियो स्पीकर है, जो है इसकी अमेजिंग डिजाइन और कमाल के लुक। ये गैजेट भी देखने में तो एक हाई टेक डिवाइस जैसा ही दिखता है, पर रियल में ये होता है स्मार्ट स्पीकर, जिसे आप म्यूजिक वगैरह सुनने से लेकर गेमिंग वगैरह के लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। आप इसके ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो आपको इसमें RGB लाइट ग्लो होते हुए दिखाई देगी, जो देखने में भी और भी ज्यादा अमेजिंग लुक दे देती है। और अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये गेमिंग के लिए भी परफेक्ट है, एंड म्यूजिक में भी स्टीरियो साउंड भी प्रोवाइड कर देता है। और साथ में ये स्पीकर भी वायरलेस होता है, तो इसमें वायर वगैरह के झंझट नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी ऑसम से स्पीकर ले रहे हैं तो आप भी म्यूजन साइवर शेल को जरूर से ट्राई करिएगा। क्लिप प्रो। दोस्तों अगर आप ब्लॉगर हैं और आपके भी एक बेस्ट कैमरा की जरूरत है, बात यह आती है कि हमें ब्लॉगिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज करना चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए क्लिप प्रो आपके लिए परफेक्ट कैमरा है। ये कैमरा भी बहुत ही ज्यादा छोटा और वेरिएबल कैमरा है, जिसे आप किसी भी पोजीशन में पहनकर किसी भी एक्टिविटीज को परफेक्टली रिकॉर्ड भी कर सकते हैं एक बेहतरीन एंगल के साथ। और जो दूसरे ब्लॉगिंग कैमरास होते हैं उन्हें हाथों में पकड़कर चलना पड़ता है, जिससे हाथ भी बिजी रहते हैं और हाथ में पेन जैसी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है। पर क्लिप प्रो को बस आपको पहन लेना अपने हाथ पर, अपने कैप पर, जिसके बाद आप चाहे जैसे भी इसे लगा सकते हैं और पहन सकते हैं। और जब भी एक्टिविटीज करते हैं तो उन्हें ये कैमरा 4K 30fps में रिकॉर्ड करेगा। इससे आप 60 मिनट्स तक रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, और साथ में आपको वाटरप्रूफ के फीचर भी मिलेंगे। जैसे आप वाटर से रिलेटेड वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप क्लिप प्रो को ट्राई करके देखिएगा। Use your स्मार्ट प्रूफ मैजिस्टिक। दोस्तों जब भी आप कोई भी मैजिस्टिक की तीली को चलाते हो तो वो कुछ सेकंड तक ही चलती है। बस दोस्तों आपको मैं एक ऐसी खास मैजिस्टिक से मिलवाता हूँ जिसका नेम है Use your स्मार्ट प्रूफ मैजिस्टिक। इसे आप किसी भी आग में चलाएं या फिर पानी में डुबा दें, पर ये बुझती नहीं है, वैसे की वैसी चलती रहेगी काफी देर तक। ये माचिस अंडर वाटर में भी चल सकती है। ये मैजिस्टिक कैंपिंग वगैरह के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर का मौसम सही तो रहता नहीं है। तो ऐसे में यूज योर स्मार्ट प्रूफ मैजिस्टिक पर पूरा भरोसा कर सकते हैं टफ सिचुएशंस में। बर्डी। दोस्तों ईयरबड्स एक ऐसी एक्सेसरीज है जिसे हर कोई यूज करता है डेली, और डेली यूज करने के चलते वो गंदे भी बहुत ही जल्दी हो जाते हैं। और बर्डी भी ईयरबड्स को क्लीन रखने के लिए क्लियर सॉल्यूशन है। ये 5-in-1 क्लीनिंग टूल है जिसमें डर्ट स्पीकर होते हैं, जिसमें आप मैनुअल पार्ट्स में से आप गंदगी को भी हटा सकते हैं। वही एक छोटा सा डिजिटल ब्रश भी होते हैं इसमें, जिसे आप और भी ज्यादा क्लीन कर सकते हैं। इसके क्लीनिंग जेल की मदद से इसके स्पीकर में भी लगी होती है छोटी छोटी गंदगी के पार्टिकल्स को, उन्हें भी ये साफ कर देता है।
और ईयरबड्स ही नहीं बल्कि केस की सफाई भी हो जाती है जरूरी। तो इसके माइक्रो फैब्रिक ब्रश से आप ईयरबड्स के केस को भी साफ कर सकते हैं, इवन उन पार्ट्स को भी जिनमें ईयरबड्स रखे जाते हैं। तो ये काफी ज्यादा छोटा सा गैजेट है, इसे आप किचन वगैरह में भी इसे रख पाएंगे। तो अब आप अपने ईयरबड्स को क्लीन रखने के लिए और डेली यूज करने के लिए बडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस माउस जो आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज किए जाने वाले डिवाइस में से एक है वो है माउस। पर अगर रेस माउस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अलग और सबसे ज्यादा एडवांस है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। ये भी एक छोटा सा माउस है जो आता है लेजर पॉइंटेड के साथ, एंड ये माउस भी टच पैड की तरह भी काम करता है। इसे भी आप अपने पीसी के साथ बल्कि टैबलेट, स्मार्टफोन और तो अपनी स्मार्ट टीवी के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस माउस का साइज भी काफी ज्यादा छोटा, तो ये काफी ज्यादा इजी टू कैरी हो जाता है। इसी के साथ आपको इसके टच पैड को यूज करते हुए आपके वर्क करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, जिसके चलते प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इसके इस्तेमाल प्रेजेंटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है बिल्ट इन लेजर पॉइंटर के साथ। तो अब गाइस कोई भी आपको वर्क करना हो तो अब आप अपने काम करने के तरीके को भी अपग्रेड कर सकते हैं। लेवल बोल्ट। लेवल लॉक एक स्मार्ट लॉक है जिसे आप लगा सकते हैं अपने डोर पर और बिना देखे ये लॉक भी हो जाएगा। इसका इंस्टॉलेशन भी काफी ज्यादा सिंपल रहता है क्योंकि ये काफी ज्यादा छोटा है और किसी को भी ये दिखाई भी नहीं देता है। इसे आप अपने स्मार्टफोन से लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं और इसे भी वॉइस कमांड देकर लॉक और अनलॉक भी कर पाएंगे। ये फीचर भी काफी ज्यादा ऑसम और कन्वीनियंट होता है। कई बार ऐसा होता है हमारे घर पर ना होने पर कोई भी घर पर आता है तो डोर लॉक होने के चलते वापस होना पड़ता है। तो ऐसे में जहाँ कहीं भी हो वहाँ से अपने स्मार्टफोन के थ्रू डोर को अनलॉक भी कर सकते हो। तो गाइस आपके घर के डोर के लिए ये डोर बोल्ट काफी ज्यादा बेस्ट है। यूनिहर्ट्स टाइटन पॉकेट। देखिए स्मार्टफोन आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है और होते भी काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, पर पहले के टाइम के कीपैड वाले फोन भी आप सभी को याद होंगे और कुछ पर्सन को उन्हें यूज करना भी बड़ा ही अच्छा लगता है। और अच्छा भी क्यों ना लगे, क्योंकि उन्हें यूज करने का मजा ही दूसरा था। एंड अगर आपको वापस से वही वाली फीलिंग चाहिए फिर से, तो आप भी फिर से ले सकते हैं यूनिहर्ट्स टाइटन पॉकेट को, जो कि एक छोटा सा सिलिकर और छोटी क्वालिटी वाला स्मार्टफोन है। और इसके भी कीबोर्ड में आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस भी मिल जाएगी देखने को, और इसकी कीपैड स्क्रीन को आप स्क्रॉल भी कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा छोटा होने के साथ ही साथ काफी ज्यादा स्ट्रांग भी है और साथ ही में काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। अगर आपसे ये गिर भी जाता है टूटेगा बिल्कुल नहीं, और इसमें भी आपको 400 mAh की मैसिव बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अगर आपको भी लेना है एक ऐसा फोन जो पुरानी वाली क्वालिटी को फील करा सके, तो आप यूनिहर्ट्स पॉकेट को जरूर से परचेज कर सकते हैं। तो गाइस आज के गैजेट कैसे लगे मुझे कमेंट में बताइए, और साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी सेट कर लीजिए ऑल पर। तब तक गाइस हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में कुछ नए गैजेट के साथ।